जय श्री राम। बच्चों का विवाह माता पिता के लिए एक बड़े यज्ञ के समान होता है। अगर समय पे अपनी संतान का विवाह ना हो पाए तो माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अगर आपकी संतान की कुंडली में कहीं से भी मंगल दोष विद्यमान है तो विवाह कार्य में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आती रहेंगी। या तो उपयुक्त वर या वधु नहीं मिलेगी या फिर समय पे आप कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों की कुंडली में मंगल दोष विद्यमान होता है। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर नीति एस शर्मा, ज्योतिष वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ, आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज पर। 16 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन हनुमान जयंती का विशेष पर्व चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। ये साल का एकमात्र ऐसा दिवस है कि इस दिन अगर आप अपने बच्चों की कुंडली के मंगल दोष के अगर कुछ उपाय विशेष कर लें तो आपको उनकी कुंडली के मंगल दोष की पीड़ा को शांति का अनुभव होने लगेगा। आपको मात्र 3 चीजें हनुमान जी के समक्ष इस दिन अर्पण करनी है। वे चीजें हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला अत्यंत प्रिय है, उनको लाल सिंदूर चमेली के तेल के अंदर मिलाकर उनको चढ़ाया जाए। साथ में विवाह के कारक को सिंदूर से बहुत ज्यादा जोड़ा जाता है। सिंदूर विवाह का स्त्री का सुहाग का प्रतीक माना जाता है। भगवान हनुमान जी के चरणों में अपनी बिटिया के हाथ से इस दिन सिंदूर को भी अर्पण करें। साथ में एक चांदी की डिबिया में शहद भरकर भगवान हनुमान जी के समक्ष प्रार्थना करें कि आपके बच्चों का विवाह जल्दी शीघ्र हो जाए और साथ में उनकी मंगल दोष की पीड़ा भी शांत हो जाए। ऐसा करने से शीघ्र ही आपके संतान की कुंडली में विवाह योग जो है प्रबल हो जाएंगे और उनको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। हम आशा करते हैं इस उपाय से आप अपने बच्चों की कुंडली में मंगल पीड़ा को शांत कर पाएंगे। धन्यवाद।